तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया और हमारे ऊपर भी ब्लेम करना शुरू कर दें। अब आ जाए इस बजट के ऊपर जो आज इन्होंने कहा, हम जो थे पिछले साल 1400 अरब रुपया हमने बढ़ाया था, कोई टैक्स नहीं हमने लगाया था, एंड पे आए उसने हमें कहा था कि थोड़े से ये टैक्स तकरीबन 700 अरब रुपए के आप एग्जेम्पशन निकाले, हमने उसमें वो भी नहीं किया और फरवरी में जाके हमने 350 की एग्जेम्पशन निकाली जो हमने रिफंडेबल कर दी, तो हमने कोई टैक्स नहीं आगे लगाया और फिर भी 1400 अरब रुपया हमने नए हमें रेवेन्यू लेके आए। इस साल हमारा टारगेट था 8000 और आपने क्या किया, पुराने पाकिस्तान चले गए और आपने उठा के कंपनियों 13 कंपनियों पर 10-10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो तकरीबन 45 से 60% हो गया, बैंकों के ऊपर 58% है, वो कैसे वो पैसे बनाएंगे और कैसे ये जो आपकी मीशन तरक्की करेगी। उसके बाद फिर आपने इवन इंडिविजुअल पे भी बढ़ा दिया, जो जाहिर है उनके जो पैसे बना रहे थे, हमने तो किसी में नहीं बढ़ाया था। हमारा क्या तरीका था कि हम ब्रॉडनिंग करेंगे, 43 मिलियन नए टैक्स पेयर की लिस्ट छोड़ के आए थे, जिसको हमने इस दफा को उनसे टैक्स लेना था, हमने रिटेल के ऊपर और इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उसको। हमने रिटेलर के पास POS मशीन लगानी थी और हमने सप्लाई चेन को कैप्चर करना था टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इन्होंने उठा के सबके ऊपर फिक्स टैक्स लगा दिया। अरे भाई, फिक्स टैक्स आप लगा रहे छोटे रिटेलर पे जरूर लगाएं, लेकिन अब सब पे लगाएंगे तो ये तो सारे बड़ी बड़ी मछलियां निकल जाएंगी बीच में से, और वो क्यों ये कर रहे हैं, ये सारे इनके वोटर्स हैं, सारे ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो भी रद्दी में चला गया। उसके बाद हमने ट्रैक एंड ट्रेस किया था, 3 कंपनियों पे हम लगा रहे थे कई उसके ऊपर इंडस्ट्रीज पे, टबैको पे, ऑयल पे, और हमने उससे पहले शुगर भी लगाया था, और 20 ओवरऑल हमने लगानी थी। रद्दी की टोकरी में स्लो कर दिया इन्होंने उसको और शेल्फ कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन सिस्टम था जो कि लेके जाता हमें 808,000 अरब के साथ, और हमने अगले साल लेके जाना था 10 ट्रिलियन पे, इन्होंने उसको रोक दिया। अब सारे टैक्स लगाने के बावजूद 7,470 अरब रुपया ये लेंगे, ये इसकी वजह से आपकी जो है इंडस्ट्री भी रुकना शुरू हो जाएगी, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट होगी और ये इंडस्ट्री जिसमें आप लगाएंगे वो अपने जो चीजें बनाते हैं उसके ऊपर अपना कीमतें बढ़ा देंगे, फिर कॉमन आप कहते हैं कॉमन मैन का खुद असर नहीं पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा, वो पास ऑन करेंगे। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो एक इन्होंने जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से वे वापस पुराना पाकिस्तान चले गए हैं, तो इनको सिर्फ यही आता है। अब मैं बजट की और चीजें बता सकता हूं, ये बजट बना रहे हैं 11.5% अपराध दर पे, इस वक्त अपराध दर है 28% और बढ़ेगी भी, आप देखेंगे आज भी नंबर आएगा और उसके बाद जब ये गैस के प्राइसेस बढ़ाएंगे और बिजली प्राइसेस बढ़ाएंगे और फिर 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे तो और बढ़ेगी 35 से 40%, तो 11.5% कैसे होगी एवरेज इन्फ्लेशन। तो आप देख लीजिएगा ये महंगाई का तूफान आएगा, उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स बढ़ा देने, उससे ये है कि छोटा ताजर वो छोटी बिजनेसेस वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, कौन देगा 24-25-26% जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट और सूद देगा और उसके बाद बिजनेस करेगा, वो खत्म हो जाएंगी। आपकी अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू होगी, मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है और चीजें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब ये 10-10% 13% इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगी, तो आपके पास इस वक्त अगर आप देखें तो वो अपराध दर जो है उससे जो है डेट सर्विसिंग जो 3,900 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं वो 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगी, वो बहुत बड़ा वोट होगा, इसका
समझाइए एक और बजट आएगा, आईएमएफ फोर्स करेगा इनको, और उसके बीच में 800 अरब रुपए के इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस हमें सरप्लस दे देंगे। वो 800 को उन्होंने ऑलरेडी अपना डिक्लेयर कर दिया अपने बजट से, 125 सिर्फ पंजाब दे रहा है, सिर्फ डेफिसिट बजट है। फ्रंट केपी कह रहा है कि हम कुछ नहीं देंगे, बलोचिस्तान में हम कुछ नहीं देंगे, 700 अरब का तो ये होल है। आज खड़े होकर बड़ी तकरीरें इन्होंने कर दी अपनी पीएचडी पे, इसके बारे में नहीं बताया कि ये होल कैसे मतलब पूरा करेंगे। फिर इनके सब्सिडी जो है उसके बीच में कोई 500-600 अरब रुपए का होल है। फिर जीआईटीसी जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो भी अभी तक लोग नहीं दे रहे थे, तो फिर कैसे दे देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी बॉटम अप जो हमने स्कीमें शुरू की थी, सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जिसमें हम बिल्कुल सूद के बगैर लोन दे रहे थे एग्रीकल्चर के कारोबार के लिए, घरों के लिए, और फिर कामयाब जवान एहसास के जो प्रोग्राम थे उसका कोई जिक्र ही नहीं है, वो सारे गायब हो गए। क्योंकि ये तो अभी गरीबों की बातें करते हैं, इनको तो गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। जो लोग 35-40% जो इन्फ्लेशन कर सकते हैं, महंगाई कर सकते हैं, वो ये भी बंद कर सकते हैं, और उन्हें करके दिखाया। तो मेरे ख्याल के बीच में अब एक तो कॉमन मैन बहुत अफेक्ट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसके बाद पॉवर्टी बढ़ेगी, उसके बाद ये है कि इन्फ्लेशन तो मैंने कह दिया पहले भी होगी, और जो कारोबार है, जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, आज जैसे ही इन्होंने ये बजट अनाउंस किया है, स्टॉक एक्सचेंज 2000 पॉइंट से नीचे गिर गई और बंद हो गई एक वक्त में। इन्होंने बंद इसलिए की कि इन्होंने फिर मनूवर करना था, चंद बड़ी बड़ी इनकी कॉरपोरेशन है उसके थ्रू पैसे बीच में डाल देते हैं और उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आपका एक्सचेंज रेट जो इन्होंने कल पढ़ा ही कहा कि जनाब 4.70 पड़ गया रुपया, आज फिर गिर गया, क्योंकि कोई भी इन पे एतबार नहीं कर रहा। और मुझे ये भी है कि ये हमें हमारे बारे में कहते हैं आईएमएफ का, मैं जब जा रहा था तो आईएमएफ के साथ फिर बिल्कुल वो बराबर में था, उन्होंने कहा तो बिल्कुल ठीक है, आप दो चीजें हमें बता दें, प्रोविंशियल जो है वो गवर्नमेंट देंगी वो लिख के दे दें, और जो डिविडेंड्स आप दे रहे वो कंपनियां दे दें, बिल्कुल उन्होंने मुझे ये प्रश्न दे देने। तो ये कह रहे थे कि उनको एतबार नहीं है, उनको आप पे एतबार नहीं है, देखो आप एक चीज एक दिन कहते हो दूसरे दिन उस पर मुकर जाते हैं। तो मेरे नजदीक ये इस वक्त हम बिल्कुल एक मार्जिन मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं, और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शन नहीं करवाए हमने, और जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खासा श्रीलंका की तरह हमारा आज रखना हो। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो है आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उन्वान है बजट के ऊपर बजट। जैसे शौकत साहब ने बोला कि इस महीने में सिर्फ 3 बजट आ चुके हैं, पहले हफ्ते में जो है इन्होंने एक मिनी बजट दिया, तेल बिजली ये वो सारी कीमतें बढ़ाई, फिर खानापुरी बजट आया 10 तारीख को जिसको पूरा आज रद्द करके मिफ्ता इस्माइल ने एक नया बजट दिया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा रकम हुई है तारीख के नया बजट जो है आज वो पेश कर दिया गया और कल परसों में पास हो जाएगा। इसकी वजह से जो है मुल्क में जितनी गैर यकीनी सूरत हाल हुई है, मैं आपको एक अंदाजा देता हूं, आप सालों को पता भी होगा कि चावल ईद के बाद से जो सुपर कर्नल चावल है 150 में से 300 रुपए किलो हो चुका है। अभी बजट के असरात आवाम के नहीं आए, डीजल के असरात आवाम के नहीं आए। कराची में चक्की का आटा 95 रुपए किलो हो चुका है, डीजल की कीमत 84% बढ़ चुकी हुई है, पेट्रोल की कीमत 56% बढ़ चुकी हुई है, बिजली की कीमत जो ये 45% बढ़ाने की बात करें जो कम से कम इस्तेमाल करने वाला गरीब आदमी उसके लिए 70-80% बढ़ रही है, गैस जो ये कह रहे 45% औसत बढ़ेगी, सबसे कम जो गैस इस्तेमाल करता है उसका बिल 450% बढ़ जाएगा, ये तमाम चीजें। अब उसके बाद इन्होंने आज आपने तकरीर देखी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं इससे गुर्बत कम होगी। पाकिस्तान में जब भी टैक्स लगाया अमीर पे उसने पास ऑन की अपनी कीमतों पे, एक तो इससे कीमतें बढ़ेंगी, नंबर टू हमेशा टैक्स अगर आपने कम कर लगाना है तो कंजम्पशन में लगाएं। शौकत साहब ने जनवरी में
कंजम्पशन पे सेल्स टैक्स लगाए ताकि वैल्यू चेन को आप कैप्चर करें, जो जो लोग उस चीज की तजारत में हर एक को टैक्स लगाया जाए ताकि उसकी आमदनी में टैक्स लगे। ये क्या करते हैं, वही पुराना पाकिस्तान वाली जो मिसाल दी कि एक ही जो टैक्स दे रहे